गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। प्रीवियस वीडियो में है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइजेशन इन स्टमक और जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसके बारे में पढ़ा था। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है, टीचिंग टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे का भाग होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और ये लास्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसमें तीन पार्ट इसके होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है सीकम, ये यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है सीकम। फिर है नेक्स्ट पार्ट इसका कॉलन, तो ये जो सीकम के आगे कॉलन है ये इतना इतना होता है कॉलन। अब जो कॉलन है उसमें भी चार भाग होते हैं, यानी कॉलन के चार पार्ट्स होते हैं। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग ये वाला जो भाग है इसका वो है असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन से जुड़ा होता है ट्रांसवर्स कॉलन, इसका ये वाला जो पार्ट है ये है ट्रांसवर्स कॉलन। फिर ट्रांसवर्स कॉलन से ही नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिसेंडिंग कॉलन, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है डिसेंडिंग कॉलन। और ये जो डिसेंडिंग कॉलन है इस कॉलन के लास्ट चौथे भाग से, फोर्थ पार्ट से जुड़ा होता है, ये है सिग्मॉइड कॉलन। तो इस तरह से ये कॉलन के हमने चार पार्ट पढ़ लिए हैं। अब इनको आपको लर्न करने के लिए थोड़ा माइंड में आपको ये रखना पड़ेगा कि जो असेंडिंग कॉलन होता है, असेंडिंग का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है मैथ्स में भी होता है, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग कॉलन में ये वाला जो पार्ट है ऐसे यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे असेंडिंग कॉलन। और ये जो ट्रांसवर्स है वो ट्रांसवर्स रूप से यहाँ प्रेजेंट है। और फिर है ये जो डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग का मतलब वैसे भी होता है डिक्रीज होना, तो ये जो पार्ट है ये है डिसेंडिंग कॉलन, मीन्स ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए इसका नाम है डिसेंडिंग कॉलन। और फिर है सिग्मॉइड कॉलन, ये थोड़ा सा एस शेप का होता है, मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम होता है सिग्मॉइड कॉलन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, ये है रेक्टम। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको कलेक्ट करने का, उसको स्टोर करने का काम जो होता है वो रेक्टम का होता है। और रेक्टम की जो बाहर ओपनिंग होती है वो एनस के द्वारा होती है। फिर एक और बात हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है इसको एक तरह से अवशेष ही मानते हैं, यानी इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही है। वैसे हमारी बॉडी में और भी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, तो इसी तरह ही एक जो मत है वो है कि अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है। और एक दूसरा एक और फैक्टर है कि अपेंडिक्स को कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़फुल भी मानते हैं, और वो किस रूप में यूज़फुल मानते हैं, वो कंसिडर करते हैं कि जो अपेंडिक्स है उसमें बहुत सारे हमारे जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वो रहते हैं। और जैसे हमें डायरिया हो जाता है तो मतलब उसमें हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो एक तरह से डायरिया के ठीक होने के बाद एक तरह से क्लीन हो जाती है, तो वो क्लीन होने के बाद उसमें क्या होता है, जो हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम ये जो अपेंडिक्स है हमारा वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क करता है कि इसमें यूजफुल बैक्टीरिया स्टोर रहते हैं, तो फिर से वो जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो रिपॉपुलेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अपेंडिक्स होती है, और अपेंडिक्स में एक इन्फेक्शन हो जाता है उसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, मीन्स इन्फ्लेमेशन इन अपेंडिक्स।
तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और आपने भी सुनी होगी, अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, ये फूल जाती है जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारी बॉडी के जो हमारा एब्डोमेन है उसके राइट साइड में हमें बहुत पेन फील होता है, लोअर एब्डोमेन के राइट साइड में हमें बहुत पेन फील होता है, और क्योंकि अपेंडिक्स हमारी राइट साइड में ही प्रेजेंट होती है और वो पेन भी इंटेंस पेन होता है, तो हो सकता है कि ये जो अपेंडिसाइटिस हो, तो इसमें अपेंडिक्स में स्वेलन आ जाती है और उसका फिर सर्जिकल इसको रिमूव किया जाता है, इसको ऑपरेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डाइजेशन इन स्टमक, तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है अधिकतर वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। कुछ ऐसे मिनरल्स विटामिन्स होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाता, और तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से हमारे जो मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, और इसके क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट तो है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन है अधिकतर वाटर का एब्जॉर्प्शन वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, और ये जो एब्जॉर्प्शन है वो हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिंस, जो विटामिंस का एब्जॉर्प्शन है वो भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, और इस एब्जॉर्प्शन के अलावा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और जो विटामिन के हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। जैसे एक विटामिन के, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा बनाया जाता है, और इसके द्वारा फिर ये एब्जॉर्ब किया जाता है। तो नेक्स्ट इसका लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि ये जो एसिडिटी होती है उसको भी रिड्यूस करने में काम करती है, और जो एसिडिक मीडियम होता है उसको ये अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर हमारा शरीर ज़्यादा एसिडिक होता है तो वो डिजीज़ को इनवाइट करता है। तो हमारा शरीर है वो जहाँ तक हो सके अल्कलाइन की ओर ही बाइज्ड होना चाहिए, और ऐसा आजकल हम पढ़ते हैं कि अगर हमारा शरीर ज़्यादा एसिडिक होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस भी उसमें होते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है अल्कलाइन बनाने का काम, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। फिर है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से भी बचाती है। एक तो इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, और दूसरा ये जो इसकी म्यूकस लाइनिंग होती है वो भी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, और इसकी जो इनर लाइनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की उसमें म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, तो वो इजेशन में भी हेल्प करता है। अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट होता है उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्योंकि भोजन के एब्जॉर्प्शन के बाद इसका केवल अनडाइजेस्टेड मटेरियल का इजेशन ही होता है। तो ये सेकंड लास्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, हमारा जो डाइजेशन है उसको चार इम्पॉर्टेंट भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो चार इम्पॉर्टेंट भाग जो हैं वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। उसमें पहला अपना पार्ट था इंजेशन, और मींस फूड को अंदर लेना, माउथ में उसको एंटर करवाना। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट था वो था मैकेनिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फूड, यानी फूड को तोड़ा जाना, उस पर जो केमिकल्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। और जो थर्ड हमारा पार्ट था वो था एब्जॉर्प्शन, मीन्स जो डाइजेस्टेड हमारा फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाना।
तो वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं फोर्थ आपको पॉइंट और बता दूं। फोर्थ जो पॉइंट है वो होता है इजेशन। और कई बार हम पांच पॉइंट्स भी मान लेते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस के, उसमें एक एसिमिलेशन और आता है। एसिमिलेशन होता है वो एब्जॉर्प्शन के बाद होता है। तो इस तरह से हमारे हम चार या पाँच पॉइंट हम डाइजेशन, हमारा जो कम्प्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसकी हम मान सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो एब्जॉर्प्शन हमने पहले भी बात की, ये होता है अधिकतर स्मॉल हमारी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादातर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्ट्रक्चर होता है, वो होती है विलाई। हमने पहले भी बात की थी जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा, ये जो म्यूकोसा है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। और इन विलाई के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो विलाई। तो इन विलाई का फंक्शन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट इसका, बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि ये जो विलाई की फोल्डिंग है, म्यूकोसा की फोल्डिंग है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया अवेलेबल है उसको ये इनक्रीज कर देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। और इन्हीं विलाई के द्वारा जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो कैसे होता है। फर्स्ट तो है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है। फिर दूसरा है इसका ट्रांसपोर्टेशन, मींस जो विलाई के अंदर जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के अंदर, वो कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। और ये सारी प्रोसेस इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे लिपिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा या फिर सिंपल डिफ्यूजन हम कह सकते हैं उसके द्वारा होता है। और ये जो डिफ्यूजन है इसकी डेफिनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूँ। डिफ्यूजन होता है जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उनका मूवमेंट होना, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से अधिक सांद्रता से जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। फिर नेक्स्ट जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो डिफ्यूजन होता है या उनका जो मूवमेंट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे उसका एग्जांपल है डिफ्यूजन, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के ब्रेकडाउन से मिलती है, डायरेक्टली एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी मिलती है उससे, अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन विलाई से जो हमारा ब्लड है उसके अंदर होता है। और जो ग्लूकोज है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो हम पहले ये देख लेते हैं जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनर्जी मिलती है वो जो आयन्स होते हैं उनके ग्रेडियंट के डिफरेंस के कारण मिलती है। मींस इसमें डायरेक्टली एटीपी का कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, बल्कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जो आयोनिक डिफरेंस है, आयन्स का जो मेम्ब्रेन के दोनों ओर डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से इनडायरेक्टली एनर्जी प्राप्त होती है और उससे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रक्टोज का,
फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है जिसकी हेल्प से डिफ्यूजन होता है, मीन सॉल्यूट को ले जाने वाला एक कैरियर मॉलिक्यूल वाहक अणु होता है, उसकी हेल्प से यह डिफ्यूजन होता है उसे, और किसका होता है, ये फ्रक्टोज का होता है। तो इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी विलाई हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, उसका स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं, और इसके अंदर ये विलस, हम सिंगल जो विलाई होती है उसको अपन सिंगुलर रूप में विलस कहते हैं, और जो विलाई हैं उनके अंदर ये कैपिलरीज हैं, ये तो है ब्लड कैपिलरीज, और ये है लैक्टील। लैक्टील क्या है, ये लिम्फेटिक वेसल है, लैक्टील है लिम्फेटिक वेसल, और ये हैं ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर तो अमीनो एसिड्स हैं हमारे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जो हमारी लैक्टील हैं उनके अंदर ये जो काइलोमाइक्रोन है, मीन्स ये जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये विलाई के अंदर लिम्फेटिक वेसल और ये ब्लड वेसल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, और इनके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट, और ये है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन, दैट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, और ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रेक्टम के अंदर स्टोर कुछ देर के लिए किया जाता है, और फिर उसको रेक्टम के द्वारा, रेक्टम की जो आउटर ओपनिंग होती है वो एनस के द्वारा होती है, तो उसको एनस के द्वारा फीसिस के रूप में उसको बाहर कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। और जो हमारा फीसिस होता है उसमें उसका हाफ ऑफ द जो ड्राई वेट है उसके इक्वल हमारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो केवल डिजीज़ पैदा करने का काम करते हैं, कि वो ऑल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं और यूजफुल वायरस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे वायरस से अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, जो COVID-19 की डिजीज़ है वो फैल रही है, तो सारे हमारे जो वायरस होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अधिकतर जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, और कम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ पैदा करने का काम करते हैं। इस तरह से हमारा ये डाइजेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और आप इसको पढ़ें और समझें और नोट से आप इसको लर्न करें। ये है आज का हमारा टॉपिक, और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।